जय हिंद दोस्तों, आज हम विटामिन ए के सिमिलर एक दवा जिसे एसीट्रेटिन के नाम से जानते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। यह जो एसीट्रेटिन है यह आपका विटामिन ए की तरह ही काम करता है, बट उससे यह बिल्कुल डिफरेंट है। बट इसका प्रयोग बहुत ही सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह जो एसीट्रेटिन है यह कमनली आपको 25 मिलीग्राम और साथ साथ 50 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो एसीट्रेटिन के 25 मिलीग्राम वाली कैप्सूल्स आती है वह प्रयोग में लिया जाता है। वैसे यह आपको एसीट्रेटिन के नाम से भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, बट इसके अलावा इसके एक दो पॉपुलर ब्रांड नेम्स है। जगह तो इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम्स में आपको एक्रोटेक 25 mg कैप्सूल, एसी रेट 25 mg कैप्सूल और एक टॉयड 25 mg कैप्सूल्स हैं। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो एक्रोटेक कैप्सूल्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप इजली इसको एक्रोटेक के नाम से रिमेम्बर रख सकते हैं या फिर परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो एक्रोटेक कैप्सूल्स है इसका किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि यह आपका विटामिन ए के सिमिलर ही एक दवा है, तो इसका प्रयोग आपको यदि व्यक्ति के स्किन में किसी टाइप की समस्या देखी जाती है, स्किन सेल्स में किसी टाइप की समस्या होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए जो डॉक्टर्स है या एसीट्रेटिन का जो कैप्सूल्स है यह रिकमेंड करता है। यह जो एसीट्रेटिन कैप्सूल्स है यह हमारे स्किन सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह जो एसीट्रेटिन कैप्सूल्स है इसका प्रयोग आपको सोराइसिस के ट्रीटमेंट में भी प्रयोग में लिया जाता है। सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है जो कि स्किन पे होती है, जिसकी इमेज आपको उस पर ऊपर डिस्प्ले पे दिख रही होगी। तो इस सोराइसिस के ट्रीटमेंट में भी जो डॉक्टर्स हैं यह एसीट्रेटिन कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करते हैं। यह जो एसीट्रेटिन कैप्सूल्स है यह कैप्सूल से स्किन सेल्स का जो ओवर ग्रोथ हो रहा है उसको इनहिबिट करता है और साथ साथ जो स्किन सेल्स की थिकनिंग बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, उस पर भी यह बेहतरीन असर दिखाता है। तो अगर हम ओवरऑल समझें तो यदि व्यक्ति के स्किन से रिलेटेड किसी टाइप की समस्या हो रही है जिसमें व्यक्ति के स्किन सेल्स की मोटाई बढ़ रही है, साथ ही साथ स्किन सेल जो है उसका ओवर ग्रोथ देखा जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डॉक्टर्स है यह एसीट्रेटिन कैप्सूल्स आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा स्किन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए भी डॉक्टर्स या आपको रिकमेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ सोराइसिस के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो एक्रोटेक कैप्सूल्स है इसके क्या डोज होती है। तो सामान्यतः एडल्ट व्यक्ति के लिए एक कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और कुछ केसेस में रेयरली ही दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है, वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसे सामान्यतः 30 दिन या फिर 45 दिन तक प्रयोग में लेने की सलाह दी जाती है। और साथ ही साथ यह जो एक्रोटेक कैप्सूल्स है इसको आप हमेशा एक ही टाइम पर प्रयोग में लें, सिंगल टाइम, मतलब एक ही समय पे आप प्रयोग में लें। जैसे अगर आप रात को ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रोज़ रात को ही प्रयोग में लें ताकि आपको बेहतरीन असर देखने को मिल सके। और अब यह जो एक्रोटेक कैप्सूल्स है अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है, व्यक्ति के लिप पे और साथ ही साथ नोज पे इन्फ्लामेशन आ सकता है, व्यक्ति को डिजीनेस और ड्रॉजीनेस जैसा समस्या हो सकता है, साथ ही साथ व्यक्ति की स्किन ड्राई हो सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में व्यक्ति को स्किन पीलिंग, हेयर लॉस और साथ ही साथ स्किन इचिंग जैसी समस्या हो सकती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब दोस्तों यह जो एसीट्रेटिन कैप्सूल्स है यह कैप्सूल्स वैसे तो बहुत अच्छी है, बट इसके अलावा यह कुछ ड्रग के साथ आपको इंटरेक्ट कर जाती है, तो आप गलती से भी उस ड्रग्स के साथ ना दें, नहीं तो व्यक्ति को बहुत ही सीरियस इफेक्ट देखने को मिल सकता है। उस ड्रग्स की लिस्ट में जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा आती है जिसमें आपको डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेमेक्लोसाइक्लिन, तो ये सब जो जो टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप की दवा है इसके साथ कभी भी प्रयोग में ना दे, नहीं तो व्यक्ति के जान के ऊपर बात आ सकती है। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट में अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेस की बात करें तो सेफ्टी एडवाइसेस में यही बताऊंगा कि यह जो एक्रोटेक कैप्सूल्स है इसका प्रयोग कभी भी खुद से ना करें, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी जाकर के आप इसको प्रयोग में लें।
तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस एक्रोटेक कैप्सूल्स के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।